अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तमीन है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज क्विज वन। और इस वीडियो के अंदर हमारे पास 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मौजूद है। इससे पहले का क्विज जो है एवरीडे साइंस रिलेटेड, वो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारे पास है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस पीएमएस, सीएसएस, पीपीएससी और एफपीएससी की एग्जाम से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास है, विच इज द कैपिटल ऑफ पेरू। पेरू का कैपिटल क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है, येरावन, किंगस्टन, लीमा या तिराना। तो इसका आंसर हमारे पास है लीमा। तो आपने याद रखने के लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहांगीरी महल इज लोकेटेड इन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जहांगीरी महल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, फतेहपुर सिकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट या दिल्ली। तो इसका आंसर हमारे पास है आगरा फोर्ट। तो आपने याद रखना कि जहांगीरी महल इज लोकेटेड इन आगरा फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री गेट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन अंडर WHO ग्लोबल कोवैक्स प्रोग्राम। कौन सी कंट्री को पहली शिपमेंट मिली थी कोविड वैक्सीन की अंडर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल कोवैक्स प्रोग्राम। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, नाइजेरिया, पाकिस्तान, घाना, नेपाल। तो इसका आंसर हमारे पास है घाना। तो आपने याद रखने के घाना को पहली शिपमेंट मिली थी कोविड वैक्सीन की अंडर WHO ग्लोबल कोवैक्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द फर्स्ट असेंबली ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की पहली असेंबली में कितने मेंबर्स थे? हमारे पास ऑप्शन हैं 41, 31, 21, 11। तो इसका आंसर हमारे पास है 21। तो आपने याद रखने की पहली असेंबली जो बलोचिस्तान की थी उसके अंदर 21 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वट इज द लेंथ ऑफ बोलान पास। बोलान पास की लेंथ कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 89 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 95 किलोमीटर, 93 किलोमीटर। तो इसका आंसर हमारे पास है 89 किलोमीटर। तो आपने याद रखना है कि बुलान पास की जो लेंथ है वो क्या है, 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जल मक्सी, क्वेटा, लहरी, लसबेला। तो इसका आंसर हमारे पास है क्वेटा। तो आपने याद रखना है कि क्वेटा जो है वो बलोचिस्तान का ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवादर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि गवादर का मतलब क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है, डोर ऑफ विंड, हाउस ऑफ मगसी, हाउस ऑफ वाटर्स या हाउस ऑफ फिशर्स। तो इसका आंसर हमारे पास है डोर ऑफ विंड। तो बेसिकली गवादर जो कि बलोचिस्तान में है, सी पोर्ट है, इसका जो लिटरली मीनिंग है वो है डोर ऑफ विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिज चिनाब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन कंट्री। कौन से कंट्री पे जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है ब्रिज चिनाब? तो हमारे पास ऑप्शन है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ब्राजील। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना कि ब्रिज चिनाब इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन से रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो हमारे पास ऑप्शन है, इंडस, जेलम, रावी, चिनाब। तो इसका आंसर हमारे पास है चिनाब। तो आपने याद रखना कि दुनिया की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड ओजोन होल इन 2006 वाज डिस्कवर्ड एट। दूसरा ओजोन होल 2006 के अंदर कहां पे डिस्कवर्ड हुआ? तो हमारे पास ऑप्शंस है, अंटार्कटिका, ब्राजील, चाइना, तिब्बत। तो इसका आंसर हमारे पास है तिब्बत। तो आपने याद रखना कि सेकंड ओजोन होल इन 2006 वाज डिस्कवर्ड एट तिब्बत। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आपके सामने जब ये क्वेश्चन आए, आपके पास चार ऑप्शंस होंगी, तो आपने ट्राई करना है कि आपको इसका आंसर पता हो। अगर आपको पहली दफा नहीं पता चला तो आपने वीडियो को दोबारा देख लें, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन आएंगे, तो आप उसके आंसर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। इस तरह से आपको ये 10 एमसीक्यूज जो है वो मेमोराइज हो जाएंगे, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल, इंफॉर्मेटिव साबित होंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्विज में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।